हेलो मॉमीज, वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। मैं हमेशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, हैप्पी हैं, अपने प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही हैं। यूट्यूब मॉम चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। डाइट से रिलेटेड, प्रेगनेंसी के, पोस्टमार्टम के, न्यू बॉर्न एंड बेबी केयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रोज मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। आज हम समझेंगे सबके फेवरेट फूड चीज़। बच्चे बड़े सबको चीज़ बहुत पसंद होता है। तो फ्रेंड्स, दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट बहुत ही डिलीशियस होता है। चाहे हम डिजर्ट्स मिठाइयों की बात करें, चाहे हम पनीर चीज वगैरह जो दूध को फाड़कर बनते हैं उनकी बात करें, मिल्क के सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही लजीज लगते हैं, डिलीशियस लगते हैं। ऐसे में हम उसको जब कंज्यूम करते हैं तो कई बार ओवर ईटिंग कर जाते हैं। लेकिन ये हमें ज़रूर समझना चाहिए कि वो चीज़ बहुत लजीज है, मानते हैं, लेकिन सबकी बॉडी तो एक जैसी नहीं है, सबका पेट की क्षमता तो एक जैसी नहीं है। तो ऐसे में सबके लिए उसके नतीजे अलग अलग होंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि चीज बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, उसमें बहुत सारा पोषण होता है, गुड क्वालिटी न्यूट्रिशन उसके अंदर होता है, तो आप उसे खा सकती हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है, उसकी क्वालिटी, उसकी प्रॉपर्टी कह दें कि पचने में थोड़ा भारी होता है। तो अगर प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा नोजिया है, वॉमिटिंग आती है, या फिर डाइजेशन जो कि बहुत स्लो रहता है प्रेगनेंसी में, आपको एसिडिटी ट्रिगर करती, तो बहुत ज़्यादा चीज़ आपके लिए नहीं है। ऐसे में चीज खाएं, लेकिन ऐसे टाइम खाएं जब आप थोड़ा वर्कआउट कर पा रही है, चल फिर पा रही, एकदम सोने से पहले आप चीज का आइटम खा के सोएंगी तो अगली सुबह आपका मन खराब रहेगा, भूख खत्म हो जाएगी आपकी बहुत टाइम तक के लिए, और आपका न्यूट्रिशन लेवल भी डाउन चला जाएगा। तो ऐसे टाइम चीज ना खाएं जब आपका मूवमेंट कम हो। दिन के समय ब्रेकफास्ट टाइम आप खाना चाहें तो खा सकती हैं, लेकिन हर दिन की आदत चीज के लिए ना बनाएं, क्योंकि कल को प्रेगनेंसी के लेटर फेज में आपको लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। चीज खाने से माँ और बच्चे दोनों को काफी ताकत मिलती है, तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सेकेंड या थर्ड ट्रिमेस्टर में अगर वेट गेन नहीं हो रहा है तो आप चीज खा सकती हैं। ये सजेस्टेड है कि आप अपने फूड में चीज को शामिल कर सकती हैं। इसके अलावा हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत अमेजिंग है, एज अ फूड आइटम आप इसे शामिल कर सकती हैं अपनी डाइट में। कई महिलाओं को नींद नहीं आती, तो नींद को अच्छा बनाने वाला, अच्छी क्वालिटी की नींद देगा चीज़। इसलिए अपनी डाइट में अगर आप चीज़ रखती हैं, एक्चुअली हॉर्मोन्स पे वर्क करते हैं, इसमें कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि आपकी स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, एंड आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होने लग जाती है। ये इसका साइंटिफिक बैकिंग है, पर ये स्लीप क्वालिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन कुछ महिलाएं, मॉमीज, प्रेगनेंट मॉम्स, जिनको कफ की टेंडेंसी है, जुकाम नहीं है, एलर्जी रहती है, हल्का हल्का कफ रहता ही है, जल्दी से कफ बन जाता है, जिनकी बॉडी की टेंडेंसी कफ की, उनको ये कफ ट्रिगर करने वाला है। तो अगर आप खांसी वांसी बनी रहती है आपको, तो चीज़ को कम खाइए या फिर अवॉइड कीजिए। मिल्क आप दूसरे प्रोडक्ट ले सकती हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, टर्मरिक मिल्क ले सकती हैं, बट चीज़ आपके लिए नहीं है। चीज़ कई बार कॉन्स्टिपेशन भी ट्रिगर करता है, और प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली कर सकता है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि डाइजेशन ऑटोमेटिकली स्लो होता है। तो थोड़े वेजीज आप उसके साथ ले सकते हो, वाटरी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आप उसके साथ ले सकते हैं, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ना बने। जिनकी भूख बहुत बढ़ी हुई है प्रेगनेंसी में, जिनको वेट गेन करना है, वेट गेन हो नहीं रहा, वो चीज़ अपने फूड में अच्छे से शामिल करें जिससे कि उनका वेट गेन हो, और हाँ, जो भूख है उसमें भी उनको तृप्ति मिले और बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सके। तो हाई कैलोरी डाइट अगर आपको रिक्वायर है, नहीं ले पा रहे हो, क्या ऐड करूँ, क्या डालूँ अपनी डाइट में, ऐसा क्या रखूँ कि मेरी भूख शांत हो, तृप्ति आए, मुझे सेटाइटी हो, देन यू कैन ऐड चीज और पनीर टू योर डाइट। आशा करती हूँ चीज के बारे में आप सब समझ गए हैं, समझदारी से इसको इस्तेमाल करेंगे, लाभ लेंगे, और अगर साइड इफेक्ट हो तो उसको समझदारी से क्विट कर देंगे। स्टे ट्यून, थैंक यू।